मस्जिद को बनाने की। अब मस्जिद जब हम तामीर करेंगे तो हमारी नीयत खालिस अल्लाह के लिए हो, याद रखिए ये सबसे अहम चीज़ है, नीयत। नीयत ये तो मस्जिद तामीर की और नीयत कुछ और रही, जैसे कि बाजू के महल्ले वालों ने बना दी थी खूबसूरत मस्जिद, आखिर अपनी कब बनती? नहीं, महल्ले में मस्जिद होना ज़रूरी है ये बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन मकसद कॉम्पीट करना है किसी से। रीज़न ये कि अल्लाह के बंदे नमाज के लिए बहुत दूर जाते हैं, धूप और सर्दी मशक्क़त करना पड़ती है, अपने महल्ले मस्जिद बन जाए तो नज़दीक में काम हो जाएगा। बनाने वालों का मकसद कॉम्पीट करना, बनाने वालों का मकसद उनके महल्ले की मस्जिद को 50 लाख लगे, अपनी मस्जिद कम अज़ कम 60 लाख में बनेंगी। मकसद अल्लाह को राज़ी करना नहीं है, मकसद है फ़ंड रेजिंग में उनसे आगे बढ़ना और अपनी मस्जिद को उनसे खूबसूरत और बड़ी तामीर करना। मस्जिदों का बड़ा होना खूबसूरत होना कोई माने रखता है, मस्जिदों का मुसल्लियों के अतबार से पक्का होना ये माने रखता है। मस्जिद RCC की बनी है, लोड बेरिंग है, मस्जिद जो है लकड़ी की बनी है, पत्थर की बनी है, टाट दाल की बनी है, असल मसला वो नहीं है। असल मसला है मस्जिद कितनी पक्की और कच्ची, ये मसला नहीं है। मस्जिद के नमाजी कितने पक्के हैं ये असल मसला है। मतलब मस्जिद कच्ची हो चलेगा, नमाजी पक्के RCC जैसे होने चाहिए, समझिए आप, तो मस्जिदें हो जाती। आज हमारी मस्जिदें RCC की मजबूत और पक्की बनी हैं, जिसके लिए 100-100 साल और 150-150 साल की गारंटीज दी जा रही है कि ये टिकी रहेंगी, लेकिन नमाजी बहुत ही कच्चे हैं। याद रखिए, जो कभी नमाज को दिखते हैं तो रमज़ान में दिख जाते हैं, तो कभी जो है शाबान में एक आध रात दिख जाते हैं, तो कभी रजब में एक आध रात आ जाते हैं, तो कभी कोई मर गया तो जनाजे की नमाज को आ जाते हैं, या कभी कोई महल्ले का प्रोग्राम इज्तिमा रहा तो बस आ जाते हैं, नमाज भी नहीं पढ़ते। मैंने ऐसे भी लोगों का इज्तिमा में आते हैं, इज्तिमा सुन के चले जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। मस्जिद बनाने वालों की नीयत खालिस हो, कोई नाम नमूद रिया शोहरत कि हमारा नाम हमारे महल्ले का नाम है, मर जाऊंगा तो बोलना फलां सेठ ने इतनी खूबसूरत मस्जिद बना के गए थे, लोग नाम लेते रहे हमारे अब्बा ने ऐसी मस्जिद बनाई, कुछ खालिस ये कि अल्लाह तेरी रजा के लिए मैं मस्जिद बना रहा हूँ, अल्लाह तेरी रजा के लिए मस्जिद बना रहे हैं, तो हमसे इसका काम ले ले, इसका हक अदा करने की हमें तौफीक दे, हम इसको जिस तरह बनाए कच्ची और पक्की अल्लाह तो उसमें बरकत दे, लेकिन नमाजियों के अतबार से इस मस्जिद को पक्का कर, समझ रहे हैं। ये बड़ी अहम चीज़ है याद रखें, ठीक है। तो नीयत हमारी मस्जिद बनाने में खालिस हो। बहुत सारी बार मैंने देखा लोग मस्जिदों में नीयत दुरुस्त नहीं होती, एक मस्जिद बन गई उसमें एक इंसान की चौधराहट चल रही है, मतलब वो लीडर बन गया, अब मुझे उससे तकलीफ हो रही है, उसकी चौधराहट कैसी हो गई, मैं भी एक मस्जिद प्लान करता हूँ और 2 कदम पे दूसरी मस्जिद बनाऊँ। इस बनाने वाले को अजर नहीं, देने वाले को अजर मिलेगा, क्योंकि उन्होंने तो मस्जिद तामीर की, बनाने वाले का इंटेंट खराब लगता है, समझ रहा। आइए, मस्जिद की तामीर का मकसद क्या होगा?